महानगरपालिकेचा विसर तुम्ही फाईल ओपन केला पाहिजे महाराष्ट्र में शिवसेना नेता संजय राउत और बीजेपी नेता किरण सुमैया का एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने का सिलसिला थमने का नाम ही नहीं ले रहा। अब एक बार फिर बीजेपी नेता किरण सुमैया ने संजय राउत और उनके परिवार पर गंभीर आरोप लगाया है। दरअसल किरण सुमैया ने संजय राउत और उनके परिवार पर 100 करोड़ का जंबो कोविड केयर सेंटर घोटाले का आरोप लगाया है। सुजीत पाटकर के खिलाफ आज पुणे के शिवाजी नगर पुलिस स्टेशन जाकर शिकायत दर्ज की गई है कि कैसे फर्जीवाड़े की वजह से पुणे में 3 लोगों ने अपनी जान गंवाई। आज भाजपा नेता किरण सुमैया पुणे दौरे पर है। किरण सुमैया पुणे महापालिका भवन पहुंचे थे, तभी शिवसेना पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किरण सुमैया की गाड़ी के सामने प्रदर्शन किया और किरण सुमैया को रोकने की कोशिश की। शिवसेना सांसद और अन्य राजनेताओं पर झूठे आरोप कर राज्य भर घूम रहे किरण सुमैया के खिलाफ शिवसेना कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन किया। वहीं एक महिला ने भाजपा नेता के ऊपर चप्पल फेंक के मारी है। इसलिए किरण सुमैया पर हुआ ये हमला पहले से ही रचा गया था क्या, ऐसा सवाल खड़ा हो रहा है। जो महाराष्ट्र में कोविड सेंटर घोटाला हुआ है, उसमें पुणे सेंटर में एक ऐसी बोगस फर्जी कंपनी को लाइफलाइन हेल्थ केयर हॉस्पिटल सर्विसेज को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया। 10 दिन के अंदर उसको ब्लैकलिस्ट किया गया, लेकिन ये 10 दिन के अंदर 3 पेशेंट एक पत्रकार की मृत्यु हुई। ऐसी बोगस कंपनी को उद्धव ठाकरे की अध्यक्षता में PMRDA ने कॉन्ट्रैक्ट दिया। ब्लैकलिस्ट होने के बाद में मुंबई महापालिका ने उसको और 3 कॉन्ट्रैक्ट दिए। इसकी जांच होनी चाहिए। 100 करोड़ का इनको टर्नओवर हुआ है और इसके लिए आज हमने पुणे शिवाजी नगर पुलिस स्टेशन में पुणे भाजपा अध्यक्ष जगदीश मुळीक और मैंने शिकायत दाखिल की है, जिसको हम बोलते हैं लोगों की जान के साथ में खेलना। ऐसे आईपीसी के सब सेक्शन लगाने चाहिए। ये कंपनी के मालिक है सुजीत पाटकर, जो संजय राउत के पार्टनर है। संजय राउत की वाइन कंपनी में भी पार्टनर है, अनेक जगह पर दोनों की जॉइंट प्रॉपर्टी है। तो सुजीत पाटकर को ये 5 सेंटर मिलने के लिए वरद हस्त संजय राउत और उसके ऊपर उद्धव ठाकरे जी जवाबदार है। आज पुणे महानगर पालिका में शिवसेना के नेता, राज्यसभा सदस्य, सामना के संपादक और आजकल सेना के सर्वे सर्वा प्रवक्ता भी वही है, फिर चुनाव लड़ने की नीति बनाने में भी वही है। ऐसे संजय राउत जी पर जो आरोप लगे हैं उसके बारे में पुणे महानगर पालिका में कंप्लेंट लॉन्च करने के लिए किरण सुमैया आए। अब मुद्दे नहीं बचे थे, मुद्दों पर आए हैं, हाथापाई पर आए हैं। यह भारतीय जनता पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी। किरण सुमैया इस जो भी हुआ उसमें गिर गए हैं, एक हॉस्पिटल में उनको लेकर गए हैं, शायद फ्रैक्चर है। हम उसके बाद भी ना किरण सुमैया घबराएंगे ना बीजेपी घबराएंगे। यदि आपने कुछ किया नहीं है, आप डरते क्यों? आपने किया है, सारा ऑन पेपर आया है, ऐसे 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 गर्दन तक आया है। अब आप कोई नहीं बचा सकते। इस देश में लोकशाही है, इस देश में पुलिस स्टेशन है, इस देश में कोर्ट है। 12 MLAs के डिस्क्वालिफिकेशन के विषय में देखा आपको, आप बहुत जोर से बोल रहे थे कि इस 12 लोगों को सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया तो क्या हुआ, हम नहीं लेंगे, लेना पड़ा। 27 महीनों में आप एक भी केस किसी कोर्ट में जीते नहीं। ये लड़ाई चलती रहेंगी, हम कानूनी लड़ाई लड़ेंगे, हम डंडे हाथ में नहीं लेंगे। आपकी सरकार है, ये आप लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को बिगाड़ रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बिगड़ने के बाद केंद्र से एक्शन होती है, जरा संभल के रहो।